राष्ट्रीय महिला दल जैसा कि स्लोगन भी एक लिखा है, कोमल है नारी ये भूल है तुम्हारी, इसी को लेकर राजधानी के प्रेस क्लब में महिला सशक्तिकरण और कई अन्य विषय को लेकर इस संगठन द्वारा विचार गोष्ठी है। अभी संगठन के पदाधिकारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि आरएमडी के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है और किस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला सशक्तिकरण पर हो रही, जहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर राजधानी के हजरतगंज महिला थाने की SHO शारदा चौधरी भी आई हैं और कई बड़ी हस्तियां भी आई, उनसे भी जानेंगे कि क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। उपस्थित हो सकते हैं, जाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं,
उसके लिए मैं आपको तहे दिल से सम्मान करती हूँ। और रही बात महिला हो या पुरुष, कोई कहीं से कमजोर नहीं है, सब चीजें सबको समान मिली हुई है। बात उपयोगिता की है, कौन किस तरह अपने शरीर का, अपने मन मस्तिष्क का किस तरह उपयोग कर रहा है उसके ऊपर आधारित होता है। एक छोटा बच्चा होता है, चाहे बच्ची हो बच्चा, दोनों को बच्चे ही बोलेंगे, फिर धीरे धीरे उनमें सब चेंजिंग होती है, उनकी उनके मन बीच में होते हैं। अपने पंछी के साथ बताया कि आज राष्ट्रीय महिला दिवस जिस तरह से महिला सशक्तिकरण पर एक गोष्ठी कर रहा है, क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय महिला जो कि एक मुहिम है उनकी चल रही है बराबर क्षेत्र में और गांव में, कि महिला उत्पीड़न के खिलाफ जो मतलब महिलाएं सब पीड़ित होती हैं उनकी काउंसलिंग कराना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना। और इससे पहले हमारी संस्था महिला कल्याण समिति थी जो निरंतर 10 साल से लोगों के बीच में काम कर रही थी, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को सशक्त और मजबूत और रोजगार दिलाने के उसमें। तो आज उसी के तहत चलते 10 साल के बाद ये हमारा राष्ट्रीय महिला दल का हमने गठन किया है। और इसमें जो है महिला उत्पीड़न के जो भी केस होते हैं हमारे लखनऊ शहर के और अन्य जिले के, तो उसको हमारे साथ हैं अध्यक्ष रीता सिंह पटेल जी जो काउंसलर भी SSP ऑफिस में हैं, और इसने लता दीदी हैं, आयोग की भी कई दीदियाँ हमारे साथ हैं। जैसे अब जो हम लोगों से नहीं निराकरण हो पाता हम लोग उनसे सहयोग लेते हैं और समस्याओं का निराकरण कराते हैं। और आज कम से कम नए 5 पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया संस्था में, जो 6 महीने से हमारे साथ निरंतर कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। महिलाओं की समस्या है या उन्हें जो कहीं मीटिंग है बैठक के कराना है इसमें बराबर सहयोग था उनका, तो उन्हें आज संस्था से जोड़ा गया है। और संस्था मतलब विश्वास करती है कि आगे भी वो हमारे साथ इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे और बराबर संस्था को मजबूत बनाने में अपना कार्य समय देंगे। महिला सशक्तिकरण के नया इतिहास लिखना है, नया परिणाम लाना है, नारी शक्ति क्या है ये जमाने को दिखाना है। मैम ने तो पूरा बता ही दिया। जैसे कि महिला थाने से भी है, आप किस तरह की महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्या आती है और आज महिला सशक्तिकरण गोष्ठी पे क्या कहेंगे? हाँ, महिला सशक्तिकरण गोष्ठी करने के लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे यहाँ तो मैं महिला थानाध्यक्ष लखनऊ में हूँ और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी पति पत्नी में हल्की फुल्की भी कहा सुनी होती है, बातचीत होती है, तो वो लोग सीधे थाने आ जाते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी वजह से पति पत्नी में नाराज़गी हो गई, ठीक है वो अपने मायके से बुलाएं किसी को, अपना चली गई 1-2 दिन रहीं 3 दिन रहीं, उसके बाद वो वापस आके अपना जीवन अच्छे से जी सकती हैं, रह सकती हैं। कोई बड़ी बात हो तो महिला थाने का सहारा लें या किसी कोर्ट कचहरी का सहारा लें जिससे कि उनका पारिवारिक जीवन अच्छे से चले। जैसा कि आरएमडी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कहेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में? आज तो आपने देख लिया, क्या पूछना चाहते पहले हमसे पूछिए? संगठन को बनाने का क्या उद्देश्य है, किस तरह से नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया? नए 5 मनोनयन किया गया है पदाधिकारियों का, और उद्देश्य इसका यही है कि महिला को किस तरह मजबूत हम लोग बनाएं, स्वावलंबी बनाएं। तो हम लोग उसको हर तरीके से ट्रेनिंग भी दिलाते हैं गवर्नमेंट की जो आई हुई है, और डरने की नहीं सिखाते हैं, कहते हैं आगे बढ़ो तुम, हम लोग साथ हैं। क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं आजकल घर ही में, अभी इतना हो चुका है फिर भी महिलाएं घर ही में मार खाती रहती हैं पुरुष से, ननद से, भौजाई से। और जो केस मेरे पास आते हैं, मैं राष्ट्रीय महिला दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मैं काउंसलर हूँ, SSP, तो वहाँ पर भी यहाँ जब हमारी सॉल्व नहीं हो पाती तो वहाँ भी लेके जाते हैं। ठीक जी, क्या कहेंगे जैसे कि आरएमडी में आज बतौर स्थिति आई है, तो क्या
संदेश देना चाहेंगी और महिला सशक्तिकरण के बारे में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है तो ये हमारे घर से ही शुरू होती है। जब हमारी बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, हमें उन दोनों को एक समान देना है, समान शिक्षा का अवसर देना है, उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी देनी है। क्योंकि आत्मबल तभी नहीं आता है जब लड़कियों को दबा के रखा जाता है कि सबसे बात ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, जैसी मतलब कुछ परिवारों में अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं कि महिलाओं को आगे नहीं, बालिकाओं को भी बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, कभी भाई का शासन, कभी पिता का शासन। तो उस बालिका को अगर बचपन से ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, और उसके बाद जब शादियां होती हैं तो जैसे बहू आती है तो उसे भी मुझे बेटी का ही दर्जा देना है। जिस तरह हम अपनी बेटी का सम्मान कर रहे हैं, उसी तरह यदि हम अपनी बहू को भी इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, अपनी सास को माँ की तरह समझेंगे, तो मैं नहीं समझती कि कोई इतना निष्ठुर नहीं होगा जो कि उस बहू को या बेटी को सम्मान नहीं देगा। बस मेरा इतना ही कहना है।